तो आज से हमारी पावर बी क्लास में हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि हमने डेटा को कनेक्ट किया, अगर डेटा अपने जगह से डिलीट हो जाता है या डेटा हमारा किसी और फोल्डर में मूव हो जाता है, उस केस में क्या करेंगे, राइट? तो मैं गेट डेटा पे आता हूं। एक्सेल पे सिलेक्ट किया, ओके, और एक्सेल 2020 फाइल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये 2021 है ना सर, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। और सीट वन को सिलेक्ट किया, डेटा आ गया एंड यहां पे हमने लोड कर दिया, राइट सर? अरे ये भी नहीं आया है क्यों? तो डेटा आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अपने जो मेरा जिस लोकेशन में डेटा है उस लोकेशन पर जाते हैं 2020 में, और इस डेटा को मैं यहाँ से उठा के और 9 नंबर फोल्डर में रख देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ इस लोकेशन में डेटा नहीं है तो क्या होगा? अब देखिए, अभी भी डेटा आपका दिख रहा है, आपका रिपोर्ट बन रहा है ना सर? डेटा मूव हो चुका है, फिर भी हम यहाँ पे अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कब तक? जब तक हम डेटा को रिफ्रेश ना कर लें। अच्छा, रिफ्रेश करने से क्या हुआ सर, डेटा खत्म हो जाएगा इसमें? नहीं, वही तो देख बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए रिपोर्ट बन गया हमारा, अब क्या है कि मेरी डेटा कनेक्शन को रिफ्रेश की जरूरत है, मैं अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया द एरर, कुड नॉट फाइंड G2020 एक्सेलेंट, फाइंड नहीं हुआ। तो इसका मतलब नहीं कि आपका डेटा हट गया, आपका डेटा है, क्योंकि ये डेटा लिंक नहीं होता है, डेटा कॉपी होता है, सेम पिवट टेबल में भी था। तो ये आपका रिफ्रेश नहीं होगा, वरना जो रिपोर्ट अभी तक बनी हुई है वो तो सेम रहेगा। अब फिर वापस आप क्या करें कि वापस इसको कट करके मैं वापस यहां पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट कर दिया, सेम नाम सेम लोकेशन। अब मैं यहां होम पे आता हूं और रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश हो रहा है, डेटा अपडेट हुआ। सर जी, सर अगर मान लीजिए, अगर हमने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, अप्रैल 2020 कर दिया, अब नाम चेंज है, अब क्या होगा? अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वही एरर देगा, नहीं है, एरर दिया ना सर? जी सर। तो अब क्या करें इसमें? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जानना है ट्रांसफॉर्म में, ठीक है जी सर। कल एक चीज मैंने आपको बताया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं अभी आपको अपडेट कर देता हूं। नहीं, इसमें मर्ज कर देंगे सर, वो अपेंड कर देंगे।
एक मिनट, अब यहाँ इस पे हमने लिखा और यहाँ जो दिख रहा है आपको दिख रहा है ना सर? जी सर। इसको चेंज कर दीजिए अप्रैल 2020, राइट सर? हम यहाँ पे लोड एंड क्लोज पे आ जाते हैं। तो यहाँ डेटा आ गया, अब उसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर क्लियर है। सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए वापस हम पावर क्वेरी में आते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा करके, और यहां पे बहुत सारे फीचर्स हैं, तो चलिए वन बाय वन फीचर्स को समझते हैं। क्लोज एंड अप्लाई में क्या होता है? एक तो होता है क्लोज एंड अप्लाई, मतलब कि आपने जो इस पावर क्वेरी में जो भी चेंजिंग किया है वो चेंजिंग होके और ये जो पावर क्वेरी का ऑप्शन है वो क्लोज हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज अप्लाई, मुझे बस अप्लाई करके चेक करना है कि मैंने जो पावर क्वेरी में चेंजिंग की है वो पावर बीआई पे आई है या नहीं आई है, राइट? दूसरा, हमने जो भी चेंजिंग की है वो अप्लाई ना हो, जस्ट क्लोज हो जाए। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद जैसे कि न्यू सोर्स, मान लीजिए ना कि आप डेटा आप काम कर रहे हैं लेकिन इसमें कुछ नया डेटा आपको डालना है, तो यहां पे न्यू सोर्स पे जा सकते हैं, नया एक्सेल फाइल। लेकिन क्या होता है कभी कभी हम पुराने से, मान लीजिए ना कि अभी जो हमने एक नया जो हमारा एक और फाइल है हमारा 2020 का वो लेना है, तो वो हमें रिसेंटली उसको यूज किया हुआ है ना सर? तो हमें उस लोकेशन पे जाके फाइल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम रिसेंट फाइल पे ले सकते हैं। रिसेंटली जो जो आपने कनेक्ट किए हैं सारा लिस्ट यहाँ पे आ रहा है। अब यही फाइल चाहिए तो इस पे क्लिक कीजिए और वो आपका एड हो जाएगा, समझे? और जैसे पावर बीआई में एंटर डेटा था, मतलब कि एक अपनी अपनी एक नई सीट बना सकते हैं मैनुअल टाइप या कॉपी पेस्ट करके, तो यहां एंटर डेटा पे क्लिक करके आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। ओके, अब इसमें आता है डेटा सोर्स सेटिंग। डेटा सोर्स सेटिंग के ऊपर आप जाते हैं तो इसकी जो सेटिंग है वो सेटिंग आपके साथ खुल के आती है। जैसे कि आपने जितना भी यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, आप एक तो पावर बीआई में जाके चेंज करते थे, उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है कि पहला यहाँ पे आप यहाँ पे चेंज सोर्स कर सकते हैं, यहीं पे कोई और फाइल सिलेक्ट करना है कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको टाइप करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जब एक्सेल की फाइल नेम से तो टाइप कर लिया लेकिन जब डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, किसी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे और एक ही फाइल या कई सारे शीट से कनेक्ट होगा तो उसमें दिक्कत हो सकती है, तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। परमिशंस वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि भाई इसमें परमिशंस का लेवल वगैरह कि पब्लिक है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है या प्राइवेट है, क्योंकि समझे जब आप अपनी इस रिपोर्ट को क्लाउड पे ले जाके किसी को शेयर करेंगे तो क्या चाहते हैं कि एक डेटा कनेक्शन या डेटा कोई देख पाए या ना देख पाए। अगर आपने नन कर दिया मतलब कोई परमिशन लेवल सिलेक्ट नहीं है, पब्लिक कर दिया मतलब कि हर कोई इसको देख सकता है, और अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन कर दिया तो जो आपके डोमेन पे है, जैसे आप लोग मेरे डोमेन पे है ना,
जो आपके डोमेन पे है, हमारे डोमेन पे है, वो यूज कर सकता है, प्राइवेट नहीं, सिर्फ मेरे लिए है। या कुछ परमिशन लगा हुआ है तो इसको आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ओके, रीसेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका डेटा सेटिंग है। और पैरामीटर्स है, तो पैरामीटर्स के बारे में हम आपको बताएंगे आगे क्लासेस में। पैरामीटर में क्या होता है कि इसमें फिल्टर लेवल सिलेक्ट, जब डेटा हम कहीं भी सिलेक्ट करते हैं उसमें कुछ फिल्टर लेवल सिलेक्ट करते हैं, तो वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्यूरी चले या लिस्ट ऑफ वैल्यू चले, वो चीज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल इसको मत समझिए, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। और रिफ्रेश तो पता ही है आपको, इसका रिफ्रेश करना चाहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में आप जा सकते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइप करना है जा सकते हैं क्यूरी प्रॉपर्टीज में। उसके बाद एडवांस क्यूरी एडिटर, अभी एडवांस क्यूरी एडिटर मतलब कि अभी जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे हमने चेंज कर दिया था ना, तो ये तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ वन बाय वन है ना क्या? बट एडवांस क्यूरी एडिटर में जाएंगे तो ये देखिए इस तरह की क्यूरी टाइप कर सकते हैं यहीं पे अच्छे से। एक क्यूरी लैंग्वेज जैसे वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग होता है ना, ऐसे ही एक क्यूरी लैंग्वेज है। ओके, हेलो, ओके सर। तो एक क्यूरी लैंग्वेज ये आपको लिखना, मैं सिखाऊंगा एक क्लासेस में कैसे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैनेज आता है, आप क्यूरी को डिलीट कर सकते हो, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो, या फिर कोई फाइल रेफरेंस आप दे सकते हो। बन गया सर एक कॉपी। उसके बाद आता है कॉलम। अब यहाँ पे कॉलम की बात आती है, कॉलम की बात आती है, जैसे कि मान लीजिए जो कॉलम है हमारा इमारती का कॉलम है, तो यहाँ पे पहला था चूज कॉलम, कि कॉलम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कौन कौन कॉलम चाहिए, यहाँ से चूज कर सकते हैं, मतलब कि कौन से कॉलम मुझे नहीं देखने, मुझे मान लीजिए कि बाकी सारा नहीं देखना है, सिर्फ इसी को देखना है, तो यहाँ से इसको हटा दूंगा तो कॉलम अवेलेबल नहीं होगा। अब मेरे पास जो डेटा आएगा सिर्फ इमारती और प्रोडक्ट वन का ही डेटा आएगा, तो चीज कॉलम में यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कि आपने अगर होता ना कभी कभी कि आपने डेटा कनेक्ट किया तो 100 कॉलमों का डेटा सिलेक्ट हो गया, बस रिपोर्ट बनाते समय आपको 8-10 कॉलम की जरूरत पड़ती है, तो वो पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ से आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं चूज कॉलम। ठीक है, उसके बाद आता है रिमूव कॉलम। मतलब एक तो है कि आपने एक कर दिया मतलब हाइड कर दिया, तो उसको वापस चूज में जाके वापस आप ला सकते हैं। लेकिन दूसरा होता है कि अगर आपने उसको रिमूव कर दिया तो आप नहीं ला पाएंगे। सेम है रो में होता है, कीप रो एंड रिमूव रो। तो कोई पर्टिकुलर इंट्री को आप हटाना चाहते हैं, डेटा रिमूविंग करना चाहते हैं, जो जनरली हम एक्सेल पे करते हैं, वो चीज आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है सर। और जैसे कि आप जो आप यहां शो होगा, अगर आपने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया, आपके डेटा पे भी सेम आएगा, मतलब जो पावर क्यूरी में दिख रहा है वही सेम चीज आपको यहां टेबल पे दिखेगा। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दो ही स्थिति दिख रहा है ना, सिटी नेम और पीएम पीपी दिख रहा है ना, तो जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पावर क्वेरी पे दिखेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं स्प्लिट कॉलम।
स्प्लिट कॉलम को एग्जाम्पल देने के लिए हमें एक अनुदल फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी एक अनुदल फाइल दे रहा हूँ यहाँ पे। ये लंबा डेटा है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने सिंपल इसको लोड कर दिया, लोड एंड क्लोज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक बार अपने डेटा पे आता हूँ और मेरा डेटा है ये FLOC वाला जो डेटा है उसको देखते हैं, तो इसमें दिक्कत है कि मुझे इसको वापस इस पे जाना होगा, ट्रांसफॉर्म जाते हैं। अब जैसे कि इसमें देख रहे हैं आपको कि नाम बड़े बड़े नाम है, मुझे इसमें से कुछ डेटा को स्प्लिट करना है, मतलब कि रिमूव करना है इसमें से, मैं कुछ तोड़ना है कॉलम को। जैसे कि इसी में आप देख ले तो T12 है, OH है, ये अलग अलग होना चाहिए था, जैसे FID एक अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए। तो इसको हमने सेलेक्ट करके स्प्लिट कॉलम पे आया। अब स्प्लिट बाय मतलब आपने जो एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम करते थे ना, सेम चीज यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर आपने बाय डिलीमिटर कर दिया या नंबर ऑफ करेक्टर्स या पोजिशन या लोअर अपर केस या अपर लोअर केस या डिजिट नॉन डिजिट, ये चीज आप जो है वो कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया डिजिट नॉन डिजिट, यहाँ देखिए T12 यहाँ आ गया और यहाँ पे अलग हो गया। हो गया सर, इस तरह से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब ग्रुप बाय, जैसे हम दोनों टेबल, हम यहाँ पे दोनों टेबल को सिलेक्ट करके ग्रुप कर, नहीं ग्रुप बाय अलग होता है, माफ कीजिएगा, एक ग्रुप बाय इससे नहीं होगा, इससे आएगा। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि नेम के हिसाब से प्रोडक्ट वन का टोटल चाहिए, C2 पे है ना, C2 पे कम है, तो यहीं पे मैं ग्रुप बाय का इस्तेमाल करूंगा। तो पिवट तरह को इस तरह वर्क करेगा, जैसे पिवट टेबल यूज होता है ना उस तरह से। मुझे मंथ के हिसाब से नहीं, मुझे नेम के हिसाब से चाहिए और काउंट यहाँ पे होना चाहिए टोटल, कौन सा कॉलम का, तो प्रोडक्ट वन का, देन ठीक है सर, पिवट बन गया। इस तरह के पिवट भी आप बना सकते हैं। अब यहां पे लोड एंड क्लोज करोगे तो आपको सेम इसी तरह का डेटा जाएगा किसमें, पावर क्वेरी। समझ में आया इम्तियाज जी? सर वापस से रिपीट कर दीजिए, ये जो अभी बताया था ना टोटल करके ग्रुप वाला, एक ग्रुप बाई पे आना होता है हमें, ग्रुप बाई पे आइए, उसके बाद आपको हेडिंग क्या देना है, मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको क्या देना है, उसमें आपको फील्ड नेम क्या रखना, नहीं फील्ड नेम क्या रखना है, यहाँ से आपको किसके बिहाफ पे हेडिंग करना है, तो नेम के बिहाफ पे करना है तो नेम को सिलेक्ट कर लीजिए, आपको हेडिंग यहाँ पे क्या रखना है वो डाल दीजिए, ऑपरेशंस क्या करना है, सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है वो डाल दीजिए, कौन से फील्ड का सम करना है वो डाल दीजिए, ठीक है जी सर जी। ओके तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम कल आपके साथ, कल मैं अगर टाइम निकल गया तो कल ज्वाइन कर लेंगे, अन्यथा वीकेंड पे मैं आप लोगों के लिए कोई कर सकते हैं।
ठीक है सर, प्रैक्टिस करके मुझे प्रैक्टिस शीट भेजिए प्लीज।